नमस्कार, एक और इंटीग्रल है हमारे सामने, x क्यूब डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब नीचे अगर ध्यान से देखें तो ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो अगर इसे सब्स्टिट्यूट करना होगा तो हमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो चाहिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन ऊपर जो x क्यूब है उसमें से हम x खींच सकते हैं अलग, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी मिल जाएगा। उसके अलावा x स्क्वायर बचेगा वो तो हम सब्स्टिट्यूट कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो एक स्टेप अगर हम लिखे ध्यान से यहां पे, तो इसको x स्क्वायर लिखा और एक x अलग लिखा, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2। अब x स्क्वायर को t ले लो, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव 2x dx इक्वल्स टू dt, लेकिन हमें तो चाहिए बस x dx, तो x dx हो जाएगा हाफ dt। तो न्यूमरेटर में जो x dx दिख रहा है उसे हम हाफ dt से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स स्क्वायर भी है जो कि t हो जाएगा, और नीचे हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग जो भी लीनियर चीज है उसको लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक जिस t स्क्वायर प्लस 3t With respect to t होगा, प्लस म्यू। तो यहां पे देखेगा तो t इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 3t का 3 प्लस म्यू। कंपेयर करने से पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 लैम्डा टाइम्स t और 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब अगर कंपेयर करें तो ऑन कंपैरिजन t का कोफिशियंट लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2 लैम्डा। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 0, राइट हैंड साइड में 3 लैम्डा प्लस म्यू। तो हमें निकालना है म्यू, दैट विल बी माइनस 3 लैम्डा, दिस विल बी माइनस 3 और लैम्डा के जगह 1/2, तो माइनस 3/2। तो हमारे पास जो था वो था हाफ टी के जगह लैम्डा टाइम्स 2t प्लस 3 प्लस म्यू। डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। सेपरेट कर सकते हैं हम इसे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 माइनस 3/2 इंटू 1/2, तो 3/4 इंटीग्रल 1/ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, तो अगर इसको i माने तो हम बोल सकते हैं i इक्वल्स टू i1 प्लस i2। सॉल्व करते हैं सेपरेटली i1 i2 को आप,
2t + 3 / t² + 3t + 2। इसमें अगर हम t² + 3t + 2 को u माने तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 3t का 3, 2 का 0, dt = du। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर पूरा, तो i1 हो गया 1/4 du by u का इंटीग्रेशन log mod u कांस्टेंट c1। अब u किसको माना था, u माना था हमने t² + 3t + 2। ये तो हो गया i1। i2 पे आते सिमिलरली 3/4 1/ t² + 3t + 2, यही है, माइनस है इसका ध्यान रखना होगा, तो माइनस ऑफ दिस, तो ये है -3/4। और यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा t² + 3t एज इट इज, 3 का आधा 3/2, उसका स्क्वायर ऐड, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, +2 एज इट इज। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, विच इज t + 3/2 का स्क्वायर, और 2 - 9/4 विच इज -1/4, तो -1/2 का स्क्वायर लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बनाया जा रहा है 1/x² - a² बहुत बार हमने यूज किया है। तो इसका क्या होता है हमारे पास, इसका होता है 1/2a log(x - a)/(x + a)+a कांस्टेंट c। तो यहां पे हमारे पास i2 में -3/4 तो रहेगा ही, साथ में 1/2a भी आएगा, a का वैल्यू यहां पे हाफ है, log ऑफ x के जगह पूरा t + 3/2 है, तो x - a और x + a हो जाएगा यहां पे, प्लस कांस्टेंट कुछ ले सकते हैं c2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो i2 का जो वैल्यू होगा वो होगा -3/4 log ऑफ 3 - 1 2/2 विच इज 1, तो t + 1, और यहां पे 4/2 विच इज 2 t + 2 प्लस कांस्टेंट c2। तो ये हमारे पास i2 भी आ गया, फाइनली जो i था वो i1 + i2 था, तो i का जो वैल्यू है, i1 क्या आया था हमारे पास, i1 आया था 1/4 log t² + 3t + 2 और प्लस c1 भी आया है, उसको लास्ट में लिख लेंगे, -3/4 log यहां पे t + 1, और यहां पे ये हो जाएगा t + 1/t + 2। उधर से c1 आया था, यहां से c2, तो c1 + c2, इसको और एक कांस्टेंट नाम दे देंगे c। अब फिलहाल देखते हैं कि हमने t किसको माना था, तो t हमने माना था x² को, तो यहां पे 1/4 x² का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² + 2 -3/4 log ऑफ x² + 1 और x² + 2 प्लस, इसको एक और कांस्टेंट हमने नाम दे दिया विच इज c, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया, जहां पे हम बोल सकते हैं जो c का वैल्यू है वो c1 + c2 है। तो एक और आसान इंटीग्रल था, कुछ खास था नहीं यहाँ पे i हो जाएगा, i का जो वैल्यू है वो ये। तो ऐसे और इंटीग्रल्स आपको मिलते रहेंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।